स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया, ये रिमार्केबल पॉइंट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट कैसे हैं और पीरियड नंबर 7 में 32 एलिमेंट कैसे हैं। दे आर 11th फाउंडेशन नीट एंड जेई स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी रिमार्केबल पॉइंट अंडर द टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिलेटेड द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखिए, इसमें ये बहुत रिमार्केबल है और इसको बड़े ध्यान से समझे। वी हैव टू राइट हेडिंग एज ए रिमार्क। बिकॉज रिमार्क हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि 6 पीरियड और 7 पीरियड में कुछ एक्सेप्शन है, और जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री एक्सेप्शन का सब्जेक्ट एक्सेप्शन ही है। केमिस्ट्री में आज तक कोई डियर स्टूडेंट ऐसा रूल नहीं बना जिसका एक्सेप्शन ना हो। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड अबाउट पीरियड नंबर 6, अबाउट पीरियड नंबर 6। यानी हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 6 पीरियड है उसमें जानते हो क्या किया गया है बेटा। इसमें 32 एलिमेंट है नो डाउट, लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स विच वर नॉट एडजस्टेड इन 6 पीरियड। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो 6 पीरियड में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। ऐसे 14 एलिमेंट है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। डियर स्टूडेंट, इनको पीरियोडिक टेबल के बाहर या प्लॉट में रखा गया है लेंथेनाइट सीरीज के अंतर्गत, और उनका कॉमन नाम दिया गया है लेंथेनाइट। ओके, तो देखिए पॉइंट आपको लिखना चाहिए, याद रखना चाहिए, दोज एलिमेंट्स आर 6 पीरियड। कहां से कहां तक है? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। डियर स्टूडेंट, दीज आर 14 एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स आर 6 पीरियड और ब्रैकेट में फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 विच वर नॉट एडजस्टेड इन 6 पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड आउटसाइड टू पीरियोडिक टेबल इन या ब्लॉक अंडर लेंथेनाइट सीरीज एंड कॉल्ड लेंथेनाइट्स। डियर स्टूडेंट, इनका कॉमन नेम दिया गया क्या? लेंथेनाइट। ये 14 एलिमेंट्स हैं 6 पीरियड के हैं, जिनका एटॉमिक नंबर कहां शुरू होता है? 58 से लेकर 71 तक। ये 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में थे उस ग्रुप के अदर एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। मीन्स हम कह सकते हैं ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। अल्टीमेटली इन 14 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के बाहर यह ब्लॉक में लेंथेनाइट सीरीज में रखा गया है, और इनको कॉमनली हम लेंथेनाइट्स बोलते हैं। अब देखिए, आपको मैं डिस्कस कर दूं एक्चुअली ये 14 एलिमेंट है कौन से, ये याद रहना आपको बहुत जरूरी है। ओके, तो देखिए ये 14 एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा। ये 14 एलिमेंट्स हैं किसमें रखे गए हैं? लेंथेनाइट सीरीज में, इन लेंथेनाइट सीरीज। और लेंथेनाइट सीरीज में जो एलिमेंट रखे गए हैं उनका नेम दिया गया है लेंथेनाइट। ये हैं कौन से? देखिए, सीई पी आर एन डी पी एम एस एम ई यू है
जी डी, पी बी, डी वाई, एच ओ, ई आर, टी एम, वाई बी, एल यू। डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने लिखा है, ये 14 एलिमेंट 6 पीरियड के हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट ना होने के कारण, अरे भाई जो एडजस्ट नहीं होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, लेकिन रिलेशन मेंटेन रहता है ना, तो इनका पीरियोडिक टेबल से अब भी जुड़े हैं लेकिन पीरियोडिक टेबल के बाहर है। देखिए इनका एटॉमिक नंबर भी मैं मेंशन किए दे रहा हूं, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। बड़े देख लीजिए, दीज आर 14 एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 अप टू 71। ये जिस सीरीज में रखे गए हैं, एक सीरीज है और नेम ऑफ दिस सीरीज इज गिवन एज लेंथेनाइड सीरीज, और इनका कॉमन नेम दिया गया लेंथेनाइड्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनको लेंथेनाइड्स क्यों कहा गया, कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। डियर स्टूडेंट, जो जिसका नाम होता है उस नेम का कुछ ना कुछ सेंस जरूर होता है, और उसमें उस नेम से रिलेटेड 100% कैरेक्टर पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि भाई देयर नेम इज गिवन एज लेंथेनाइड। डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, यू नो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है लेंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर 57। ये एलिमेंट देखिए लेंथेनम, ये ऑल्दो इट इज ऑलरेडी स्टिल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये अभी पीरियोडिक टेबल में है, ये पीरियोडिक टेबल के बाहर नहीं, पीरियोडिक टेबल के अंदर है, और इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसके बाद कई बाहर किए गए 58। डियर स्टूडेंट, ये सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, बट यू नो ये सभी के सभी एलिमेंट लेंथेनम, ये एलिमेंट है ना ये, इस लेंथेनम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, समझ गए ना, अर्थात ये सारे एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 चूंकि ये लेंथेनम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, दैट्स व्हाई देयर नेम इज गिवन एज लेंथेनाइड्स। समझ गया होगे इनका कॉमन नेम लेंथेनाइड्स क्यों दिया गया, और हो सकता है चूंकि एलिमेंट आप ऐसे देख रहे हैं आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक रामचरितमानस की चौपाई बता दे रहा हूं, और उस चौपाई से सारे एलिमेंट प्रकट हो जाएंगे। देखिए मैं वो चौपाई लिखे दे रहा हूं, देखिए आपके सामने, ये चौपाई है बेटा, इसी से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। से पर नंद प्रेम सम गधरे, तब दई होर कमायब लूरे, ये लूरे लिखा है साफ के दे रहा हूं, ये रामचरितमानस की चौपाई है। से पर नंद प्रेम सम गधरे और तब दई होर तमायब लूरे, दिख रही ना, दिस इज द चौपाई टेकन फ्रॉम रामचरितमानस, और इसी से सारे एलिमेंट प्रकट हो गए। देखिए आपके सामने लिख रहा हूं, यू विल रियलाइज एलिमेंट इसी से पर आ गया दो, नंद एनडी, प्रेम पीएम, और ये समूह है, सम का बेटा संध विच्छेद करिए, सम प्लस उ, सम क्या होता है एसएम, और उ हो गया ईयू, तो क्या हो गया, से पर नंद प्रेम समू एसएम ईयू और गदरे। डियर कानपुर सिटीजन्स, आपने सुना होगा यहां एक बहुत ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत पॉपुलर थे, डॉक्टर गदरे, सादर समर्पित गदरे। तो से पर नंद प्रेम सम गधरे, गैडोलिनियम तक आ गया, तब दई डी वाई हो गया, और एक इसमें बेटा वर्ड है होर, होर का एनालिसिस कीजिए, क्या आएगा, हो प्लस अर, होर का संधि विच्छेद करें तो हो प्लस अर आ जाता है, हो क्या हो गया एच ओ और अर क्या हो गया ई आर, दो एलिमेंट इससे आ गए,
तबुदई होर, तबुदई होर तमा यब, तबुदई होर तमा यब लूरे यल यू। जैसे यहां था गदरे, वैसे यहां पे हो गया लूरे। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा ऑल दीज एलिमेंट्स आर टेकन, दिस इज ओनली द टेक्निक, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट टेक्निक कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर इज द हाईली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रिक्स एंड टेक्निक टू पुट कमांड इन केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, मैंने 7-6 पीरियड के बारे में, लेंथ एंड हाइट सीरीज था, उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया, और मैं अब बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट रिलेटेड टू पीरियड्स, एलिमेंट्स ऑफ 7th पीरियड, राइट।